क्या आप जानते हैं कि सेंगोल के पीछे एक आकर्षक कहानी क्या है? एक ऐसी असाधारण कलाकृति जो जल्द ही नई संसद के गौरव का हिस्सा बनने वाली है और अपना नया ठिकाना खोजने वाली है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये सेंगोल आखिर है क्या और डालते हैं नजर इसके गहरे सांस्कृतिक महत्व और समृद्ध इतिहास पर। सेंगोल के बारे में जानने के लिए हमें पहले चोल साम्राज्य का इतिहास जानना होगा। चोल भारत के दक्षिणी भाग का एक शक्तिशाली राजवंश था जिन्होंने 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु और उसके आसपास के राज्यों में एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। चोल शासक भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में शिव के मंदिरों का निर्माण भी कराया। एक चोल शासक द्वारा अपनी सत्ता का हस्तांतरण दूसरे शासक को सेंगोल सौंपकर किया जाता था और सेंगोल सौंपते वक्त भगवान शिव का आह्वान किया जाता था, इसलिए सेंगोल के सबसे ऊपरी भाग पर नंदी की मूर्ति लगी होती थी जो कि शक्ति, सत्य और न्याय की प्रतीक है। तो ये तो हमने नजर डाली चोल राजवंश और सेंगोल के इतिहास पर। अब समझते हैं कि अचानक से सेंगोल इतनी चर्चा में क्यों है। दरअसल बात 15 अगस्त 1947 की है जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ और उस वक्त अंग्रेजों ने भारत को सत्ता सौंपी। सत्ता सौंपने के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच एक सवाल खड़ा हो गया कि सत्ता सौंपी जाए तो आखिर कैसे, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण करने का कोई तो सिंबॉलिक तरीका होना चाहिए था। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पंडित नेहरू ने सी राजगोपालाचारी को आमंत्रित किया जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। सी राजगोपालाचारी की भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर गहरी पकड़ थी। सी राजगोपालाचारी ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया और चोल वंश के गौरवशाली इतिहास पर नजर दौड़ाई। उन्होंने पाया कि चोल राजवंश में सत्ता का हस्तांतरण सत्ताधारी शासक द्वारा नए शासक को सेंगोल सौंपकर किया जाता था। सी राजगोपालाचारी ने ये बात पंडित नेहरू को बताई। पंडित नेहरू को सत्ता हस्तांतरण का ये तरीका बेहद पसंद आया और तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध धार्मिक संस्थान श्रद्धेय थिरुवदुथुराई एथिनम को सेंगोल को तैयार करने की सम्मानित जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके आध्यात्मिक नेता के मार्गदर्शन में वुमिदी बंगारू ने पवित्र राजदंड सेंगोल को सावधानी पूर्वक डिजाइन किया और इस तरह पंडित नेहरू ने विधिवत सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन से प्राप्त करके सत्ता का हस्तांतरण किया। अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त करने के बाद यह सेंगोल इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई और दशकों तक सेंगोल पर कोई चर्चा तक नहीं हुई। अभी हाल ही में सेंगोल मीडिया की सुर्खियों का दोबारा हिस्सा बन गई जब भारत सरकार ने सेंगोल को नई पार्लियामेंट में स्थापित करने का निर्णय लिया। हमें उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए देखते रहिए नॉलेज कॉलेज नेटवर्क।